नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर में जिले भर में क्या कुछ घटा। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है बिजावर क्षेत्र से। बिजावर में पिपर थाना क्षेत्र अंतर्गत पनागर गांव में एक युवक जिसका नाम पूरन कुशवाहा है, इस युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने आप को फांसी लगा ली है। 18 वर्षीय युवक पूरन कुशवाहा ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली है। कारण अभी साफ नहीं हो पा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। सबको पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है और हत्या है कि आत्महत्या, इसका कारण अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 1:58 पर लड़का का फोन आया और उसने बोला कि पापा है, मम्मी का फोन नंबर दे दो, कुछ मान लो हमें जरूरी बात करनी है, दिक्कत है। तो उसने नंबर मांग भी कहा, हमने ज़मीन में नंबर लिखो और उसके बाद में हम ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद में उन्हें नंबर नहीं उठाओ हमारा, मतलब नंबर हमारा फोन उन्हें उठाऊ नहीं है। और 1 के पहले वो खुशा तो मान लो सुबह से कपड़ा पड़ा धो भी अच्छो खास हो तो, और 1 तक वो DJ के बढ़िया गाना सुनत रहो, लेकिन उसके बाद में 1:04 के बीच में ना जाने काभा को फांसी लगा ली। सुनी फांसी लगा ली, यानी कोई ने फांसी खुद लगाई या काभा के संग जो पता नहीं है। आपको कोई शक है? नहीं, हम की पे शक नहीं है, हमें कोई पे मान लो कहा पता कौन सी ओई का मतलब लपड़ा झपड़ा भाव या कैसो का भाव। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर लेते हैं आज की इन खास खबरों पर। यह पहली खबर है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर छतरपुर के यातायात प्रभारी संजय जसवाल एवं उनकी पूरी टीम सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर यहां पर जगह जगह पर चेकिंग अभियान लगाए हुए है। तो वही बुधवार के दिन आकाशवाणी तिराहे पर सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत यहां पर चेकिंग अभियान लगाया गया। तो वही स्कूली बच्चों के द्वारा जो लोग यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं और खासतौर पर हेलमेट लगाए हुए हैं, उन लोगों को फूल देकर के सम्मान किया गया। तो वही यातायात प्रभारी संजय जसवाल के द्वारा लोगों को समझाइश दी गई है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और खासतौर पर हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाएं और चार पहिया वाहनों के कांचों पर लगी हुई ब्लैक फिल्म को निकलवाने के लिए भी समझाइश दी गई है। सप्ताह के दौरान स्कूल से कुछ बच्चे आए हैं जो हमारी ट्रैफिक पुलिस की मदद कर रहे हैं। जो लोग यातायात नियम का पालन कर रहे हैं, जैसे हेलमेट पहन रहे हैं, सीट बेल्ट पहन रहे हैं, उनको स्कूल के बच्चों द्वारा कॉफ़ी और फूल भेज करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि जो दूसरे लोग जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, वो शर्मिंदा हो और आगे से हेलमेट पहनना शुरू करें। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र की। यहां पर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर करीब 60 लीटर शराब को जब्त किया गया। वहीं पर शराब के साथ में 2 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं मैनसरगाना मौके से आरोपी फरार हो गया है। इसकी पूरी कार्यवाही के साथ पुलिस आरोपी को ढूंढने में जुट गई है। चलिए दिखाते हैं खबर आपको पूरी विस्तार से। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जिला छतरपुर के गढ़ीमलहरा थाना प्रभारी ने पुलिस के साथ में करीब 60 लीटर 300 ग्राम 2 बाइक सहित 2 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जबकि इसका सरगना एवं रेकी करने वाला नन्हे राजा मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। वहीं थाना प्रभारी के एस रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की रात को सूचना मिलने पर जिला छतरपुर के गढ़ीमलहरा थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस बल के साथ में करीब 60 लीटर 300 ग्राम देशी शराब के साथ 2 बाइक सहित 2 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जबकि इसका सरगना में रेकी करने वाला नन्हे राजा मौके पर फायदा उठाकर भाग निकला। थाना प्रभारी के एस रंधवा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगल की रात को सूचना मिलने पर मोटरसाइकिल सवार अवैध रूप से काफी मात्रा में शराब निवारी से लेकर गढ़ीमलहरा की ओर जा रहा था। तभी पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ गायत्री मंदिर के पास पुलिस ने घेराबंदी की। जैसे ही बाइक सवार निकले, उन्हें पुलिस द्वारा धर दबोचा, जहां आरोपियों से 335 पाव के साथ 60 लीटर 300 ग्राम जिसकी कीमत 28,000 के करीब शराब की जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी अनिल अहरवार नाथूराम अहरवार ग्राम बारी के हैं। तीसरा व्यक्ति नन्हे राजा मैन सरगना रेकी करने वाला
पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकला। दोनों अपराधियों के खिलाफ इन पर आबकारी एक्ट के तहत 34-2 की कार्यवाही की गई है व आगे जो भी विवेचना होगी कार्यवाही की जाएगी। मैन मुलजिम तक पहुंचना पुलिस का संभवता निश्चय ही है। सूचना प्राप्त हुई थी उस पर पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि सूचना मिली थी कि निवारी की तरफ से आ रही है अवैध शराब, मोटरसाइकिलों पर रख के ला रहे हैं और काफ़ी मात्रा में शराब है जो थोड़ी देर में आने वाले हैं। नन्हे राजा करके एक बारी का है, वो अपने साथियों के साथ लेके आ रहा है। तो तुरंत हम लोग निकले, गवाओं के साथ हम पहुँचे गायत्री मंदिर के सामने। वहाँ गाड़ी मंदिर की आड़ में खड़ी करके हम लोगों ने घेराबंदी की। नन्हे राजा आगे रेकी कर रहे आ रहे थे, जो यही देख रहा था कि कोई मिल ना जाए, उनको तो भनक पड़ गई, तो वो तुरंत मोटरसाइकिल वहीं फेंक के और वापस भाग गया। लेकिन पीछे ये जो आ रहे थे ये पुलिस को बाकायदा मिल गए। एक है अनिल अहिरवार, दूसरा है नाथुराम अहिरवार। दोनों ये लड़के रहने वाले बारी के हैं और ये उसके साथ मिलकर अवैध दारू खपाते थे। इन पर अपराध कायम हो गया है, विवेचना में है। आगे विवेचना में जैसे जैसे होगा कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर छतरपुर शहर की। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की मांग को बढ़ाते हुए आगामी 29 तारीख की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी गई हैं। वहीं पर मेडिकल संघर्ष समिति के द्वारा स्थानीय मोटिके महावीर प्रांगण से एक बाइक सवार रैली का आयोजन किया गया। यह रैली छतरपुर के मोटिके महावीर से शुरू होकर छत्रसाल चौक, महल चौक होते हुए चौक बाजार तक पहुंची, जहां पर एक आम सभा के रूप में बदल गई। इस पूरी योजना के तहत बाइक सवार में सैकड़ों की तादाद में शहर के सभी संगठन के साथ युवा पत्रकार और सभी देशबंधु जैसे लोग और नागरिक मौजूद रहे। समिति के सदस्यों द्वारा सभा में सभी ने मेडिकल कॉलेज के लिए अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। वहीं आगामी 29 तारीख को संपूर्ण महाबंद की शहर वासियों से अपील भी की गई। समिति के सदस्यों द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का कितना जरूरी है यह सरकार तक वह अपनी नीतियों द्वारा पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसी भी फैसले तक नहीं पहुंची है। और जो आम जनता है उससे भी आग्रह किया गया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। छतरपुर जिले में लगातार चेकिंग अभियान के माध्यम से अपराधों पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी संबंध में बीती शाम जब चेकिंग की जा रही थी तब एक युवक को कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ओरछा रोड थाना पुलिस ने ओरछा रोड के समीप चेकिंग अभियान चलाकर अफरोज नाम के एक युवक को कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि गल्ला मंडी क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक के समीप रहने वाले अफरोज आलम का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसने एक लड़की का अपहरण भी किया था। इसी मामले में इसके विरुद्ध पहले भी कई शिकायतें हो चुकी हैं। बीती शाम ये अपनी डीलक्स मोटरसाइकिल से नौगांव की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक पुलिस को सामने पाकर इसका संतुलन बिगड़ गया और ये जमीन पर गिर गया। इस दौरान पुलिस ने इसे घेर लिया और इसके पास से एक कट्टा बरामद किया है। सीएसपी राकेश संखवार और टीआई मुकेश साक्य ने इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मीडिया को इस बात की जानकारी दी। थाना ओरछा रोड थाना प्रभारी अपने बाइक स्टाफ से चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान 8:30 बजे के टाइम में छतरपुर से वहाँ तरफ आने वाला एक वाहन मोटरसाइकिल चला रहा था लड़का। वो आया बड़ी तेज़ी से, गाड़ी चला के ला रहा था। उसको चेक किया, चेक करके उसको रोका। तो जब उसकी तलाशी ले गई तो उस पर लोडेड कट्टा 315 बोर का पाया। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अफरोज खान पुत्र मोहम्मद रफीक बताया, जो पूर्व में भी कोतवाली थाना क्षेत्र में बंद हो चुका है एक अपहरण के केस में, जो अभी अभी एक महीने पहले ही जेल से छूट के आया। जब उससे तहकीकात कर पूछताछ की गई कि कट्टा कहाँ से लाया, तो उसने अपने मोहल्ले के पूरन सोनी से कट्टा उसकी तहकीकात की जा रही। पूरन सोनी चूँकि राठ का रहने वाला है तो हो सकता है उससे भी तहकीकात की जा रही। नमस्कार,
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे शहर के तालाबों के हालात पर किस तरह चिंतित है जल बिरादरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग दो महीने पहले खजुराहो में आयोजित अन्ना हजारे के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और यहां पर उन्होंने खुलेआम मंच से कहा था कि तालाबों को बचाने के लिए कलेक्टरों को सीमांकन के निर्देश दिए जाएंगे और तालाबों पर बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद छतरपुर जिले के तमाम तालाबों पर अतिक्रमण की नजर है और तमाम तालाबों पर गंदगी और अतिक्रमण के कारण इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसी मुद्दे को लेकर जल बिरादरी ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। छतरपुर जिले में तालाबों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, उनकी सीमा निश्चित नहीं है, ना ही भराव क्षेत्र निश्चित है। इसी के लिए आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से CM साहब को एक ज्ञापन दिया गया है कि आप इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से शीघ्र ही तालाबों का चिन्हांकन करें, उसमें उनका भराव क्षेत्र निश्चित करें, अन्यथा 1 तारीख के बाद सभी संगठन मिलकर के आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री जी को संबंधित ज्ञापन है, इसलिए ये ज्ञापन तो मूलतः माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाएगा, परंतु ये बात सत्य है कि चूंकि इसका एग्जीक्यूशन जो होना है वो जिला के स्तर पर ही होना है, इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए जिला स्तर पर इसके लिए कमेटियां गठित की जाएंगी और इसका युद्ध स्तर पर और पूर्ण ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, अतिक्रमण यदि है, ठीक है, क्योंकि ये तहसील का विषय है, आपने जिला स्तर पर दिया है, यदि अतिक्रमण है तो बिल्कुल अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, अगर उसमें कोई अवरोध नहीं है तो बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखते हैं खबर गढ़ी मलहरा क्षेत्र के ग्राम गौर से, जहां पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का समापन एक भव्य भंडारे के साथ हो गया। ग्राम गौर में 11 कुंडीय महायज्ञ के साथ विश्व कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीणों ने किया था और एक भव्य भंडारे के साथ इस धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान जितेंद्र सिंह बुंदेला, कांग्रेस नेता अजय दौलत तिवारी, उत्तम राजा सहित तमाम गणमान्य नागरिक भी यहाँ पर पहुंचे। हमारा बुंदेलखंड का ये जो पूरा एरिया है सूखे की भयंकर चपेट में है और आम जनजीवन त्रस्त है। धार्मिक आयोजन हमेशा से ही उत्साहवर्धन और ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने की जो मंशा है कि हमारे क्षेत्र में जो आम भाईचारा बना रहे, खुशहाली आए और आने वाला जो बारिश का सीजन है उसके लिए भी ईश्वर से मनोकामना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे यहाँ ऐसी वर्षा करें कि जो हमारे यहाँ का खाना बदोश जिंदगी यहाँ की जो हो गई है उससे लोगों को आम जनजीवन में पानी से राहत हो, ऐसी चीज़ों को लेके मन में संकल्प के साथ ये बड़ा अच्छा धार्मिक आयोजन है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको लोग मनाते हैं, जोड़ने का लोगों को एक जरिया भी है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और पुलिस यातायात के नियम कायदों को बच्चों के माध्यम से उनके माँ बाप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यातायात पुलिस ने स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को यातायात के नियम बताए, साथ ही बच्चों के बीच सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए ड्रॉइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। कई स्कूलों में इस तरह के आयोजन चल रहे हैं। इन आयोजनों के माध्यम से यातायात पुलिस बच्चों के जरिए उनके माता पिता तक सड़क पर सुरक्षित चलने के संदेश पहुंचा रही है। आज सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है, मैंने ट्रैफिक लाइट बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है कि जब भी रेड लाइट होनी चाहिए तो उसमें लोगों को रुकना चाहिए, लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए और जब भी हमें बाइक वगैरह चलाए तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए और जो 18 ईयर से कम के उनको बाइक नहीं चलानी चाहिए। हमने एक यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील जो कि कार में होता है उसका चित्र बनाया है और यहाँ पे एक इंसान है जो कि मोबाइल चला रहा है और हमने इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि हमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारा एक्सीडेंट में हमारी तो जान बच जाए लेकिन किसी और की भी जान जा सकती है। सो उस समय मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि It is better to be made mister than to be late mister. सर, अगर हम कहीं देर से पहुँचे तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम उसकी जगह स्वर्गवासी हो जाए तो वह बहुत बुरा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला।
सागर रोड पर स्थित मृत्युंजय नगर कॉलोनी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। 22 तारीख से शुरू होने वाली ये कथा 28 तारीख तक चलेगी। पहले दिन यहाँ पर माँ दुर्गा और श्री हनुमान के प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद से लगातार शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाता है। यहाँ पर सीता किशोरी जानकी नंदन द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। तो वहीं काशी से आए हुए पंडितों द्वारा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 28 तारीख को भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा भी इस दौरान की जाएगी। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। वर्तमान जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दुर्गा देवी पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और आपके जो है वाल्मीकि पुराण का हमारे काशी से आए हुए समस्त विद्वानों के द्वारा और वृंदावन से संगीत में जो श्रीमद् भागवत संगीत से हो रही है ये वृंदावन की पार्टी है की गई है। यहाँ पर श्री हनुमंतलाल जी की एवं जगत जननी माता दुर्गा की प्रतिष्ठा हो चुकी है और 28 तारीख में भूत भावन भोलेनाथ की प्रतिष्ठा है और साथ में यज्ञ भी रखा हुआ है। शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ चल रहा है। यज्ञ हम लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ बहुत पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश होती है और बारिश होती है तो उससे अन्न उपज होता है। अन्न उपज होता है तो हम सारे जगत का पालन होता है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजावट थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम भारतपुरा के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। इस शिकायती ज्ञापन में बिजावट थाना पुलिस की शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि बिजावर भारतपुरा में रहने वाले कंछेती राजपूत की लड़की को गाँव का राहुल राजपूत भगा कर ले गया, लेकिन अब पुलिस वाले राहुल के चाचा को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि राहुल के माता पिता से कोई भी पूछताछ नहीं की जा रही। इस बात से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक को ये शिकायत की गई है। समस्या ये है कि सर मेरे चाचा का लड़का था छोटा और ये गांव का कंचेरी राजपूत की एक लड़की थी शांति, वो तेरी गाँव में मेरे पास रहती जैसे पूरा मोहल्ले में, वो मेरे चाचा की लड़की के साथ भाग गई है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो लड़की की जो माँ है उसको भी पहले से पता था कि भागने वाले हैं यहाँ से, तो लड़की की माँ ने तभी कुछ नहीं किया। अभी वो भाग गई है तो परेशान कर रही हम लोगों को। पुलिस उनको ढूंढ रही तो पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई और हम लोग घर पे देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इनको पकड़ो तभी मिलेगी, तो हमको परेशान कर रहे बल्कि हमको उनसे कुछ लेना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम कुमारी बरसैया की स्मृति में प्रत्येक महीने हनुमान टोरिया पर लगने वाला निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। उनकी याद में ये शिविर लगाया गया। श्री सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से आए हुए डॉक्टर्स द्वारा परीक्षण किया गया। 300 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जिनमें 50 लोगों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। चित्रकूट से आए हुए डॉक्टर अरुण गुप्ता द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया, उन्हें समझाइश दी गई और कुछ मरीजों को दवाएं और चश्मे भी वितरित किए गए। 50 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनका निःशुल्क ऑपरेशन चित्रकूट में किया जाएगा। नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन यहाँ हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर किया गया है और इस शिविर में आज 300 लोगों के पंजीयन हुए हैं और 50 मरीज अभी तक यहाँ से चित्रकूट जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। और आज का यह शिविर परम पूज्य माता जी रामकली बरसैया जी की स्मृति में उनके पुत्र दिनेश बरसैया और नाती प्रिंस बरसैया और प्रशांत बरसैया जी के सहयोग से लगाया गया था। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 15 अप्रैल की रात सटे रोड पर स्थित एक शराब की दुकान पर आरोपियों द्वारा फायरिंग की गई थी और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। यहां से रुपयों की पेटी भी ये शख्स ले उड़े थे। इसके बाद इस मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हैं। बमनौरा से अजय पाल सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक बाइक, एक कट्टा और साथ में लगभग 16,000 रुपए और वो पेटी भी बरामद की गई है जो ये लोग लूट कर ले गए थे। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों में राजा राणा पुत्र राजेंद्र सिंह बुंदेला निवासी बमनौरा, राहुल पुत्र चार्ली राजा बुंदेला
बमनौरा और नीतू उर्फ नितेंद्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह परमार मोरवा हाल चौबे कॉलोनी, ये आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने आरोपी अजय के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल डिस्कवर, एक देशी कट्टा, 12 बोर, एक जिंदा कारतूस और घटना में लूटे गए 1,60,000 रुपए में से आरोपी के हिस्से में आए 30,000 रुपए में से 19,600 रुपए और शराब दुकान से लूटी गई गुल्लक तथा मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक आर आर परिहार ने बताया कि इस पूरी घटना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश शंखवार के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिविल लाइन हिमांशु चौबे, उप निरीक्षक वीपी द्विवेदी, उप निरीक्षक दिलीप करण नायक, उप निरीक्षक हेमंत नायक, आरक्षक रोशन, आरक्षक किशोर, साइबर सेल आरक्षक सत्येंद्र, आरक्षक शैलेंद्र और आरक्षक जनक सिंह, साथ ही साथ आरक्षक चालक धर्मेंद्र की सराहनीय भूमिका रही। मुद्दा था शहर में जो लूट हुई थी शराब की दुकान में 15 अप्रैल को, उसके आरोपी चिन्हित हुए और उसमें एक गिरफ्तार हुआ और चूँकि पूरी लूट खुल गई है, 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनको भी तलाश किया जा रहा है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, उससे लूट में यूज की हुई मोटरसाइकिल, कट्टा और इसके हिस्से में आए 30,000 रुपये में, लगभग 16,000 समथिंग का रुपये। क्या ये आत्तन अपराधी है? ये पहले इनका है, एक लूट का एक मामला है, मोटरसाइकिल लूटी थी, एक मारपीट का मामला है। उसमें हमारे साथ जो होते हैं मुखबिर होते हैं, जिनको वो ये कहे कि किसी इमारत के नींव के पत्थर होते हैं, वो सामने नहीं आते, दिखते नहीं, लेकिन उनकी सूचना हमारे हमेशा सफलता की ओर ले जाती है और ऐसी सूचना हमको मिली, उसी को हमने अब गिरोह नहीं कह सकते इसमें, जब तक मेन आदमी नहीं मिलेगा जो इनका सूत्राधार है वो मिल जाए, क्योंकि सूत्रा उनकी अक्सर मॉडस ऑपरेंडी ये होती है कि हर बार हर उसमें घटना में नए आदमियों को उपयोग करना, तो वो मिले थे, पूछे कितनी जगह पे करे, एक दो जगह और संभावना है कि ये उसमें शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों नए अपडेट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।